ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ ਕਿ ਆਸ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ मिला नहीं तेरे को करीना जी आगे क्यों जाते हो नहीं आता जाफर भाई जाफर भाई तीन घंटा करो ना रोल ना हेलो 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 चेक 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 हमें बहुत खुशी है कि आज हमारी फिल्म तैयार हो गई है और कल थिएटर में लग रही है और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार और मोहब्बत से हमने ये फिल्म बनाई है और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म आपके दिलों को छुएगी उसी तरह जैसे हमारे दिलों को छुई है जैसे जब हमने बनाया है और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये कह के कि अद्वैत ने ये फिल्म इतनी बखूबी डायरेक्ट की है जो हमारे जहन में फिल्म थी वो उसको एग्जैक्टली वैसे बना पाए हैं एंड इट्स अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स अ फिल्म अबाउट लव इट्स अ फिल्म विच स्टैंड्स फॉर लव आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स अ फिल्म दैट शोज़ आर ब्यूटिफुल इंडियन कल्चर आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स अ फिल्म दैट शोज़ द वर्ल्ड क्योंकि ये फिल्म पूरे दुनिया में देखी जाएगी और बहुत ही काफ़ी बड़ी रिलीज़ मिल रही है उसको विदेशों में भी तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसी फिल्म पेश करेंगे दुनिया को जिसमें कि हम हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाएं,
हिंदुस्तान का कल्चर दिखाएं और हमारी सभ्यता दिखाएं। सो आई थिंक दैट ऑन द ईव ऑफ द रिलीज ऑफ द फिल्म, कल फिल्म लगने वाली है, हम सबको बड़ी खुशी महसूस होती है और बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो हम अपने ऑडियंस को बहुत उम्मीद के साथ उनके सामने पेश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि हमने जो कोशिश की है हमें उम्मीद है कि उनको पसंद आएगी। और बाकी क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम। नहीं, हम क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, हम आपको कुछ बोलना चाह रहे थे बस। हाँ, एक्चुअली आई फील रियली लकी राइट नाउ। आई फील लाइक आई थिंक आई एम द लकीस्ट डायरेक्टर इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। फर्स्टली आई गॉट अ फिल्म लाइक फॉरेस्ट गंप, ऑलरेडी अ क्लासिक। फिर अतुल सर की स्क्रिप्ट, लाल सिंह चड्ढा की स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट पढ़ते ही हमें पता था कि इट्स अ विनर। अ प्रोड्यूसर लाइक आमिर खान प्रोडक्शंस, किरण मैम वॉज विथ मी ऑल द टाइम। एंड देन आई हैड एक्टर्स लाइक आमिर खान, करीना कपूर, नागा चैतन्य, मोना सिंह। तो आई रियली फील लाइक आई गॉट एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर एंड थैंक गॉड, थैंक द यूनिवर्स। यस्टरडे देयर वाज अ स्क्रीनिंग फॉर द डिफेंस फोर्सेस एंड मैं छुपके से देख रहा था ऑडियंस को एंड दे वर वॉचिंग विद अ स्माइल थ्रू आउट एंड दैट वाज जस्ट सच अ नाइस फीलिंग दैट दे वर मेकिंग सो मेनी पीपल स्माइल। आई जस्ट आई एम रियली होल्डिंग ऑन टू दैट मोमेंट राइट नाउ। नहीं, बस सिर्फ एक लाइन कि हमारे खूबसूरत देश की ये खूबसूरत कहानी है जो एक खूबसूरत इंसान के ज़रिए हम कह रहे हैं, जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। तो ज़रूर आइए और देखिए हमारे लाल सिंह चड्ढा की कहानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Good evening, everyone. Quite a nervous moment for me. This has been a really, really special film in my career. Very few films, very few opportunities come and go like this, and this one's been really special. And it's my first Hindi film, so like to thank the entire team: Amir sir, Advait, Kareena ma'am, Kiran, and Ajit. Thank you so much for this opportunity. We've been having a few screenings the last few days and the kind of response that we've been getting from the audience has been overwhelming. It's so nice to see smiles on everyone's faces. I know the team has been with this film for almost 3-4 years. The kind of patience and determination they had towards it is amazing. So most of all, I'm so happy for them that it's finally out, and so hoping for the best, and thank you all so much. Thank you for your support. पहले तो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड वी रियली रियली मेड दिस फिल्म विद अ लॉट ऑफ लव। ये फिल्म हमने बहुत प्यार से बनाई है, बहुत साल लग गए, दो पैंडेमिक आकर गए और अब जब सिनेमाज खुल गए हैं और लोग अब फिल्म देखने को आ रहे हैं तो हम बहुत ही उत्सुक हैं, जानना चाहेंगे कि लोगों को कैसे लगी। बहुत वक्त के बाद हम फिल्म ला रहे हैं आपके पास, आप ऑडियंस को दिखाने, और हमारी उम्मीद ये है कि लोगों को अच्छी लगेगी। वी ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक वायाकॉम एंड पैरामाउंट, ऐसे अच्छे पार्टनर्स रहे हैं, हर कदम हमारे साथ रहे हैं। अजीत स्पेशली हमारे बिगिनिंग से एंड तक हमारे ही साथ रहे हैं। आई थिंक वायाकॉम को बहुत, उनको बहुत मिस कर रहे होंगे, वो आमिर खान प्रोडक्शंस का एक हिस्सा बन गए हैं। पर ये फिल्म प्यार से बनी है, आप सब आकर देखें एंड उम्मीद ये है कि आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। अजीत से समथिंग, वी विल कीप करीना फॉर द एंड। सबने जैसा लड़ी कह दिया है। देखिए, पहली बात तो ये कि ईद, दिवाली और आमिर खान कहते हैं कि साल में एक बार आते हैं, तो ईद तो आपने मना ली, दिवाली मना ली, आमिर खान मनाने का वक्त अब 4 साल के बाद आया है। तो आई थिंक ये वो मौका है जब वी शुड बी सेलिब्रेटिंग आमिर खान। ये एक कारण है। दूसरा कारण कि देखिए, इतनी कल्ट क्लासिक जो है फॉरेस्ट गम, जिसको ऑस्कर्स से नवाजा गया है, उस फिल्म को अडेप्ट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी
इसके लिए एक हिम्मत चाहिए और एक इसके लिए एक सच्चाई चाहिए, और आई थिंक ये सच्चाई इस फिल्म में पूरी तरह से उतर के आई है, और आई थिंक यही सच्चाई इस फिल्म को लोगों के दिलों तक लेकर जाएगी। आमिर का ख़ास शुक्रिया कि उन्होंने जो अपना 14 साल पुराना सपना देखा था उसमें हमें एक मौका मिला एक रोल प्ले करने का, एक रोल अदा करने का, सपने को आगे बढ़ाने का। और जैसे किरण ने कहा कि अब तो एक परिवार हो गया है, 4 साल से हम लोग इस सफ़र में हैं। अद्वैत को जितनी मेहनत करते हुए मैंने देखा है, मुझे लग रहा है कि उनको देखकर ही मेरी उम्र कुछ बढ़ गई है। अतुल के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी इस फिल्म के ज़रिए हमने उनका एक नया आयाम देखा, एक नया डिमेंशन। इनको बखूबी एक्टर के तौर से हम जानते ही हैं, पर इन्होंने जो कमाल इसमें किया है वो आप फिल्म में देखेंगे। तो बस वही सच्चाई, वही प्यार जो इस फिल्म में है, वही ये फिल्म ढूंढ रही है, और मुझे लगता है ये आप सबसे मिलेगा। थैंक यू करीना। आई थिंक तलाश और थ्री इडियट्स के बाद आमिर के साथ काम करने का मौका मिला इन सच अ स्पेशल फिल्म। इतनी खूबसूरत कहानी अतुल जी ने लिखी, जब मैंने नरेशन सुना तो आई couldn't स्टॉप my tears। आई रिमेंबर अद्वैत, यू were there with मी, एंड आई थिंक इतनी सारी कहानियाँ सुनी मैंने, इतनी सारी फिल्में की, बट आई थिंक पहली बार नरेशन में आई couldn't स्टॉप my self। एंड आई हैव डन दिस फिल्म एक्चुअली इस कहानी की वजह से, इस कैरेक्टर की वजह से, जस्ट द फैक्ट दैट इतनी इंटेंस लव स्टोरी आई थिंक इतने साल बाद आ रही है। आई थिंक आमिर इज़ नॉट ऑल्सो डन अ लव स्टोरी इन अ लॉन्ग टाइम। So all his fans and all our fans who are waiting to see us, I think this is the perfect treat for them. Already internationally itna pyar mil raha hai, reviews itne acche hain, and our fingers are crossed of course, and yeah, it's all yours now, but and I'm quite sure that sabko bahut bahut pasand aayegi film. Thank you. So thank you so much guys, and I think आप लोगों की प्रार्थनाएं चाहिए हमें। मैं नॉर्मली बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ रिलीज़ के पहले, किरण जानती हैं मैं, और इस दफ़ा भी एक महीने से मुझे नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज मैं सुबह गया था दरबार साहब गोल्डन टेंपल, और वहाँ जाने के बाद मुझे इतना सुकून महसूस हुआ है कि अब मुझे लगता है कि जैसा होगा ठीक ही होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग दोबारा हम लोग बहुत ट्रैफिक में फंसे।